हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो? तो दोस्तों, हम आज एक मतलब फिल्म सिटी का टूर करने जा रहे हैं और हमने यहाँ के बारे में मतलब कहते बहुत सुना है कि आगे मतलब फिल्म सिटी में अलग अलग लोकेशन है जहाँ में मतलब शूटिंग होती है और कुछ मतलब क्लोज भी होते हैं। तो आज दिन आ गया है, आज हम आपको भी अपने साथ फिल्म सिटी की मतलब सैर कराएंगे। और क्या कहते हैं, हमारे साथ मेरे मतलब फादर साहब हैं और मेरी वाइफ है। तो पापा बताओ, आपको तो क्या फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बॉम्बे शहर के अंदर आए हैं। ना यहाँ पे कोई सर्दी है ना गर्मी है, मीडियम मौसम है। और अभी भी आप देखो कि काफ़ी 2 बज चुके हैं, कोई धूप नहीं है और हवाएं चल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है बॉम्बे का। तो मैं अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी मौका आपको मिले लाइफ के अंदर, एक दिन अवश्य जरूर आइएगा, एक बार जरूर आइएगा प्लीज। और यहाँ पर सुनैना के फेवरेट स्टार टाइगर श्रॉफ भी हैं, तो उनको देखने जा रही है सुनैना। तो बताइए सुनैना जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिल्म सिटी आए हैं और यहाँ पर हमने अभी टिकट काउंटर से टिकट लिया और वो वहाँ बस खड़ी है, वो चले गए। हम उसमें जाएंगे और वो हमें अंदर सारा घुमाएंगे, अंदर जो भी है सब दिखाएंगे। तो शूटिंग हो रही होगी, शोज होंगे, वो सब दिखाएंगे। तो आओ, आप भी आओ हमारे साथ, हमारे साथ बस में बैठो, फिर आपको हम सारा टूर कराते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बस आ गई है और अभी बस में बैठेंगे हम। 6651। तो फ्रेंड्स, हम अभी बस में बैठ गए हैं और बस में हमें एक तो गाइड मिला है जो हमें सारा अंदर फिल्म सिटी का टूर दिखाएगा। और उन्हें सुनाना बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है। सेकंड सीट मिली हमें, पापा सामने बैठे हैं। तो अभी हम अंदर जाके दिखाएंगे जो जो शोज होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अम्बादा जादव है। ओके, ये फिल्म सिटी टूर के लिए आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। वैसे आपको बताया होगा पति हाउस का टूर होने वाला है। इंडोर लोकेशंस, आउटडोर लोकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आउटडोर लोकेशंस का पूरे फिल्म सिटी का साइट सीन कर लेंगे। साइट सीन करते वक्त हम लोग 1 से 2 लोकेशन पर उतरेंगे, फेमस लोकेशन पर। उस लोकेशन की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में अंदर की तरफ आउटडोर लोकेशन घूमते वक्त में कहीं पर शूट चालू होगी, जितनी पॉसिबिलिटी होगी हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे, शूटिंग को थोड़ी सी करीब से देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद ये सर, आपको सलमान खान टेलीविजन का बोर्ड भी नजर आएगा। ओके, अंदर की तरफ एक शूट चालू है, स्टार प्लस की पेशकश है, जिसका नाम है अनुपमा। ओके, ये मॉर्निंग में चालू थी, बट उसका कैसा कंफर्मेशन नहीं होता, कभी भी चालू हो सकती, कभी भी वो लोग उनका जैसा सीन खत्म हो गया तो जा भी सकते। तो दुआ कीजिए कि उनकी शूटिंग चालू रहे तो हमको देखने का पूरा मौका मिले। ओके मैम, ओके सर, सो नाइस सर। यस यस यस, राइट हैंड साइड वाला सर। ये सब लकड़ी प्लाउड का होता है, आर्टिफिशियल बनाना जरूरी है ताकि सीमेंट कॉन्क्रीट की बना सकते हैं सर। इसको बनाने के लिए काफी देर भी लगती है और तोड़ने के लिए भी वक्त लगता है, इसके वजह से लकड़ी प्लाउड। ये बैक साइड में देख सकते हैं, बैकग्राउंड इसका ऐसा दिखता है। अंदर की तरफ से कुछ अलग नजर आएगा, बैक साइड में कुछ अलग नजर आएगा। ये तो चलो कुछ नहीं है, आगे की तरफ और कुछ घर देखोगे ना तो हंस दोगे आप। जाएंगे तो राइट हैंड साइड में बहुत सा बड़ा एक सेटअप नजर आएगा, वही हमारे बंसाली साहब का सेटअप है। और उसी सेट के अंदर अभी भी गंगूबाई काठियावाड़ी का कामाटीपुरा बसा हुआ है। तो एक सवाल आना जरूरी है कि कामाटीपुरा को तोड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि थिएटर से मूवी उतर जा चुकी है, रिलीज होके काफी देर भी हो चुकी है ना। पर बंसाली साहब एकमात्र ऐसे डायरेक्टर है जिनके कंटिन्यूअसली मूवीज आती रहती है, कौन सा ना कौन सी फिल्म। तो वो ये पहले के बाद उनकी एक और मूवी आ रही है हीरा मंडी नाम की। तो उसके अंदर एक चौल का लुक दिखाना था, तो वो उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट मूवी के लिए कौन सा अलग सा सेटअप क्यों बनाए। तो उन्होंने कामाटीपुरा को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के, थोड़ा सा कलरिंग वगैरह चेंज करके एज अ हीरा मंडी मूवी के लिए चौल का लुक दिया गया। अंदर जो सेटअप बनाए जाते वो आसानी से तोड़े जाते, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो मजबूत बनाया जाता है सीमेंट कॉन्क्रीट से और लोखंड से। इसे बनाने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 साल लगता है। यहाँ से सलमान भाई अंदर की तरफ जाते हैं और इसी गेट से बाहर की तरफ भी आते हैं। उनकी एक व्हाइट कलर की टोयोटा कंपनी क्रिस्टा गाड़ी है, बुलेट प्रूफ कार है, जिसका नंबर है MH01E0009। कहीं पर नजर आए तो बता देना, शायद से सलमान भाई अंदर रहेंगे। ओके, राइट हैंड साइड में ये बंगलो है, ये बंगलो स्टार वार चैनल पे एक सीरियल आता है, वो तो है अलबेला नाम का, ये उन्हीं का सीरियल का सेटअप है। ये एक्चुअली अभी बंगलो है, पर एक कुछ साल पहले बंगलो नहीं बल्कि एक स्टूडियो हुआ करता था। अगर आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी तो ओम शांति ओम मूवी में एक सीन है जहाँ पर अर्जुन राम पर
दीपिका मैम को जलाते हैं, वो जलाने वाला सीन एक्चुअली यहीं पर किया गया था पूरा आपको। हाँ ये मंदिर। ओके, ये मंदिर आपने काफी सारे फिल्मों में देखा होगा, काफी सारे सीरियल्स में देखा होगा, स्वर्ग मूवी में स्वर्ग। ओके, थोड़ी जानकारी सुनेंगे, थोड़ा बैठ जाइए मैम। राजेश खन्ना जी यहाँ पे पूरे शाम तक शूटिंग कर रही थी, उसके बाद में स्वर्ग मूवी के अंदर राजेश खन्ना जी हमारे लेजेंड एक्टर, उनका एक सीन है जहाँ पर उनके खाने की हालत थोड़ी सी बदली थी, खाने के चक्कर में वो मंदिर में प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पे गोविंदा जी हमारे कृष्णा जिनका नाम रहता है, कृष्णा जी हमारे गरीबों को प्रसाद बांटते रहते हैं, प्रसाद बांटते टाइम पे सांप जी और जो कृष्णा का मिलन होता है वो सारा का सारा सीन एक्चुअली इसमें किया गया था। उसके बाद में कुछ कुछ होता है मूवी के अंदर देखा होगा, एक सॉन्ग है जिसके अंदर गीता कपूर आपको नाचते हुए नजर आएंगे, कौन वो अनुपमा का हस्बैंड है। ओके, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, वापस नीचे की तरफ चलते हुए आएंगे, सुनहरा मौका आज आपको मिलने वाला। अगर इस मूवी, इस भगवान मूवी के अंदर तो ऐसा प्रॉपर्टीज को यूज किया था, पर एक और मूवी में यूज किया था, अगर आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी तो, कोई मिल गया मूवी के अंदर जहाँ पर ऋतिक रोशन, ये मतलब कोई वाला बंगला जहाँ पर कोई मिल गया मैं, मतलब ऋतिक रोशन और बच्चे जब मतलब खेलते थे वो मतलब इसी पार्क में खेलते थे, तो ये वो बंगला है और ये बंगला बहुत ही खास है क्योंकि कोई मिल गया मेरी बड़ी ही मतलब फेवरेट फिल्म है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दिखाई जाएगी उसके बाद में एक मूवी है बॉडीगार्ड मूवी जिसके अंदर करीना कपूर जहाँ पे अपने कॉलेज के अंदर एंटर करती है ना, तो ऑल कॉलेज का जो एंट्रेंस गेट है वो इसी बिल्डिंग का दिखाया गया था। फिर से सुभाष भाई जी का राइट हैंड साइड में वेस्लिंग रोड्स इंटरनेशनल स्कूल, ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पर फिल्म मेकिंग से लेके एक्टिंग स्किल्स की पढ़ाई होती है। यहाँ पर बच्चन साहब से लेके अनुपम खेर तक, यानी लीवर ऐसे बड़े बड़े दिग्गज बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, जैसे डायरेक्शन, डायरेक्टर, डीओपी या किसी भी ऐसे पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो किसी को एडमिशन लेना तो यहाँ पर ले सकते हैं, वेस्ली वुड इंटरनेशनल स्कूल। ओके, ये हमारे फिल्म सिटी का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इसे अलग अलग सिटीज का अलग अलग फिल्मों के द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिखाया जाता है। अगर जॉली LLP 2 मूवी देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा अनु कपूर अक्षय कुमार को बोलते हैं मुस्कुराइए जनाब, अब लखनऊ में है वो, लखनऊ वाला हाईकोर्ट एक्चुअली पूरे फिल्मों में यही दिखाया गया था। तो ये अलग अलग फिल्मों जैसे दामिनी, घातक, घायल, गजनी मूवी, ऐसे मोस्ट ऑफ द 95% फिल्मों में जो कोर्ट दिखाया जाता है वो एकमात्र इसी कोर्ट को दिखाया जाता है। इसी सीधा रास्ता जाता है आगे की तरफ जो कपिल शर्मा शर्मा की और मतलब शो की ओर जाता है। ये SK टेलीविजन का बोर्ड नजर आएगा, सलमान खान टेलीविजन, जिसके नीचे लिखा है वाणिज्य शाह VR वाणिज्य, ये दोनों प्रोडक्शन हाउस सलमान खान के खुद के जो कपिल शर्मा को स्पॉन्सर करते हैं, कपिल शर्मा की गाड़ी है मर्सिडीज। जो ब्रह्मास्त्र मूवी देखी है जिसको एडिट किया है ना वो प्राइम फोकस स्टूडियो वालों ने उसे एडिट किया, ये मोस्ट ऑफ द जो फिल्मों में कैमरास यूज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द कैमरास इसे प्राइम फोकस स्टूडियो वालों से रेंट पर लिए जाते हैं। ओके, स्टूडियो है जहाँ पर चलता है बच्चन साहब का कुछ सालों से KBC, कौन बनेगा करोड़पति फ्लैग्स पे आपको बच्चन साहब नजर आएंगे, ये एकमात्र ऐसा गेट है जहाँ से बच्चन साहब एंटर करते थे, बाकी के कंटेस्टेंट आगे की तरफ से एंटर करते हैं या से यस कौन बनेगा करोड़पति। ये ऐसे कुछ स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर कुछ ऐसे लकड़ी प्लाउड के कुछ सेटअप लगाए जाते हैं, घर ऑफिस देखिए दरवाजे नजर आ रहे हैं, मीन्स अभी कोई घर का सीन बना रहे हैं वो लोग या कोई ऑफिस का मैनेजमेंट कहा है। ओके, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ उतरना है गोल्डन गेट के सामने और अंदर की तरफ आपके लाइव लोकेशन। फ्रेंड्स, अब हम बॉलीवुड थीम पार्क में आ गए हैं और पापा को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और सुनैना भी मजा आ रहा है यहाँ पे आके, अरे मजा चलो। तो फ्रेंड्स, ये बॉलीवुड पार्क है, यहाँ पे अलग अलग थीम अभी हम आए हैं, हमारे लिए एक मतलब थीम प्रोग्राम होगा, एक मतलब कॉमेडी शो होगा, एक मतलब सिंगिंग शो भी होगा और हम उसे इंजॉय करेंगे और कुछ खाएंगे, अंदर देखते क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये देखो थिएटर टाइप बना रखा है, इधर मतलब शो वगैरह भी होते हैं, देखो मतलब शादी का सीन बना रखा है यहाँ पे, जैसे कोई फिल्म है यहाँ पे शो होते हैं, यहाँ पे स्टूडियो हायरिंग हो सकती है। ये करकरी इडियट्स वाला जो एक सीन है उसमें यूज, ये देखो दो तबले, ये यहाँ पे ना खादी वादी या कोई
मतलब छत्रपति शिवाजी वगैरह की यहाँ शूटिंग होती होगी ना, ना? हाँ हाँ, उसमें सीन ये इस्तेमाल होते हैं चीजें। ये कैंटीन है, तो फ्रेंड्स अभी अंदर एक मतलब क्रो चलेगा। गॉगल्स लेके जाइए। 3D शो है।